जय हिंद दोस्तों, इसी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा आ रहा है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए हो जाते हैं, उनके कई बैंक होते हैं, उनको ये नहीं पता है जो हमारा पेंशन का पैसा जा रहा है उस किस खाते में जा रहा है। तो आपको कैसे पता करना है कि जो हमारा पेंशन का पैसा है वो किस खाते में जा रहा है और किस किस बैंक में मेरा आधार लिंक है, यानी कि आप सीडिंग भी बोल सकते हैं और आधार लिंक भी बोल सकते हैं। यानी आपके अकाउंट में आधार जो है लिंक होना जरूरी है, यानी सीडिंग होना जरूरी है। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारे बैंक में आधार सीडिंग है या नहीं है। यदि सीडिंग है तो किस बैंक में सीडिंग है, यदि जिस भी बैंक में आधार सीडिंग है, सबसे पहले जो बैंक उठाएगा आधार से उसी के खाते में जो है आपका वृद्धा पेंशन का पैसा या विधवा पेंशन का पैसा, विकलांग पेंशन का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा, पीएम किसान का पैसा, सभी का पैसा उसी खाते में जाएगा। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसा भेजा जा रहा है उसी के माध्यम से ही भेजा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, फिलहाल आपको चेक कैसे करना है तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। तो कैसे आपको चेक करना है भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो भाई आप लोग बंद रहेगा तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जिनका भी पैसा आता है सरकारी, तो आप लोग परेशान ना हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कैसे आपको चेक करना है और आपका आधार किस बैंक में लिंक है, सब कुछ आप जान जाएंगे। भाई आप लोग बंद रहेगा, चलते सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद उसे ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है, तो हम इसमें टाइप कर देंगे UIDAI। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ दे रहा है UIDAI। दोस्तों UIDAI जैसे ही दे रहा है, उसके बाद उसे देखिए नीचे जो है इसका ऑप्शन खुल के आ गया है UIDAI। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए सबसे ऊपर जो है आपका साइड खुल गया है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ लैंग्वेज दे रहा है, आप जिस भी लैंग्वेज में चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंग्लिश में करना चाहता हूं, इंग्लिश में देखना चाहता हूं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए वेलकम लिखा गया है, अभी ओपन हो जाएगा। तो दूसरे देखिए जो है एक पॉपअप आ रहा है, तो हम यहां से क्रॉस का जो निशान दिखाई दे रहा है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे देखिए हमको नीचे जाना है, देखिए आधार सर्विस पे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए हमारा जो है साइड खुल किया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस दिया है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो भाई आप लोग बने रहेगा, तो एक एक स्टेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एक साइड जो है फिर से दोबारा से खुला है, तो यहीं से जो है आपका सब कुछ पता चलेगा, यहीं से आप जो है चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहेगा, तो एक स्टेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो भाई आप लोग बने रहेगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे इस वीडियो में क्या बताया गया है क्या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए जो है बैंक सीडिंग स्टेटस दिया है, आपके बैंक में आधार सीडिंग है या नहीं है, तो आप लोग यहां से जो है पता कर सकते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए यहां आपको आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है तो आपको सही सही डालना है। चलते ही डालते हैं, दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले आप यहाँ जो है कैप्चा इसमें सही सही डालिएगा। तो दोस्तों देखिए आपको ओटीपी पे क्लिक करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक है उस पे एक ओटीपी जाएगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो ओटीपी इसमें आपको डालना रहेगा। दोस्तों देखिए हमारा ओटीपी आ गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाल करके। तो दोस्तों जैसे हम इसमें डालेंगे उसके बाद हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए जो है मेरा खुल गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमको दोबारा से इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए अभी आपको यहाँ पता चल जाएगा, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। जैसे हमने इस पे दोबारा से क्लिक किया तो दोस्तों देखिए जो है यहाँ दे रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, तो यानी कि हमारे यूनियन बैंक में मेरा आधार सीडिंग हुआ है, यहाँ एक्टिव दिखा रहा है। तो आप इसी तरह से पता कर सकते हैं कि हमारे कौन से बैंक में मेरा आधार जो है सीडिंग है, तो आप इसी तरह से पता कर सकते हैं। यदि आपका पेंशन का पैसा आ रहा है या कोई भी पेंशन का पैसा आ रहा है, जिस भी बैंक में आधार सीडिंग है यानी लिंक है उसी बैंक में जो है आपका पैसा जाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जो है चेक कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जय हिंद।